गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट तालुका आलम शरीफ में मौजूद दरगाह हजरत लाले मशायख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का इस साल उर्से शरीफ मनाया जा रहा है। दरगाह कमेटी के सेक्रेटरी जनाब खलील अंसारी और दीगर जिम्मेदारों ने प्रेस मीट कर तमाम जाहिरीन को इस साल उर्से शरीफ में होने वाले इंतजाम की डिटेल बयां की है। खलील अंसारी ने बताया, अक्टूबर 25, 26, 27 तीन दिन संडल चिरागा और जियारत की जाएगी और इस साल दरगाह कमेटी और आलम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर जाकिर अंसारी रिटायर्ड टीएचओ एंड टीम की मौजूदगी में फ्री हेल्थ कैंप रखा जाएगा, जिसका इनोग्रेशन आलम एमएलए बीआर पाटिल के हाथों किया जाएगा। और दरगाह कमेटी से खलील अंसारी ने बताया, हर साल बजने वाले डीजे के रिवाज को खत्म करने इस साल दब बजाने का एहतमाम किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Bafaiz Ruhani Hazrat Khaja Shaykh Makhdoom Alauddin Ansari Allah rahmatu rizwan ka 668wa Urse Sharif ka aghaz hone ja raha hai. रबीउस सानी की एक तारीख से तमाम तकारीब उर्स का आगाज़ होता है। बहुत कम असहाब ये चीज़ जानते हैं कि एक तारीख से उर्स का आगाज़ होता है, क्योंकि हमेशा सहरोज़ा उर्स शरीफ मनाया जाता है, ऐसा है लोगों का तसव्वुर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक रबीउस सानी का जब चांद नज़र आता है उसी वक्त दुरूद शरीफ, मिलाद शरीफ, फातिहा खानी से बारगाह में उस शरीफ का आगाज होता है। और एक तारीख से मगरिब में मशाल जलाकर खुशी का इजहार करते हुए लोग बारगाह पर आते हैं और मशाल जलाकर अपने अपने घरों को जाते हैं। ये कदीम रिवाज रहा है, जब हजरत बंदा नवाज गेसुदराज अल्लाह रहमत रिजवान की, दरअसल ये जो उर्स है हजरत बंदा नवाज की सुन्नत है जिसको हम अदा करते हैं। एक तारीख से 5 तारीख तक रबीउस सानी की तमाम मजाहिब के लोग बिला तफरीक मजहब व मिल्लत यहां पर आकर मशाल जलाते हुए, हमने साबिक में भी देखा है, आज भी ये रिवाज बरकरार है। कई हिंदू मजाहिब के लोग आकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं और मशाल जलाकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। एक चीज और जो हम इस साल ऐड किए हैं तकारीब उर्स को ज्यादा से ज्यादा और बढ़ाने के लिए, 2 रोजा खवालियों का प्रोग्राम रखा गया है। 25 को संदल शरीफ में भी महफिल समाज से ही संदल शरीफ का आगाज होता है, तहसील नई तहसील ऑफिस आलम शरीफ में, वहां पर महफिल समा का आगाज 4 बजे होगा। मगरिब की नमाज वहीं पर अदा की जाएगी, फातिहा के बाद वहां से जुलूस संदल की रवानगी अमल में आएगी। तहसीलदार अपने सर पर लेकर वहां से निकलेंगे, अपनी ही गाड़ी में वहां से लेकर निकलेंगे पुरानी तहसील ऑफिस तक। उन्हीं की जिम्मेदारी, उन्हीं की कस्टडी में एडमिनिस्ट्रेटर की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वहां से नई तहसील ऑफिस से आलम शरीफ से निकलकर पुरानी तहसील ऑफिस तक आएंगे, वहां पर हमारी कस्टडी में देंगे। कमेटी की जिम्मेदारी वहां से आगाज होगा, जब तहसीलदार बाहर आकर हमारे हवाले करेंगे, वहां से दरगाह शरीफ पहुंचने तक पुलिस के साथ हम लोग पहुंचेंगे। दरगाह शरीफ पर इख्तिताम 4 बजे होगा। तमाम जो शाहराहे हैं, अहम शाहराहे हैं शहर की, वहां से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ में 4 बजे पहुंचेगा, इख्तिताम पजीर होगा। दूसरे दिन 26 तारीख को महफिल समा, जिसमें मुंबई के मशहूर खवाल अजीम नाजा तशरीफ ला रहे हैं, इसके साथ ही साथ 26 को सरफराज चिश्ती तशरीफ ला रहे हैं दिल्ली से, और 27 तारीख को मुंबई से अजीम नाजा खवाल वो भी तशरीफ ला रहे हैं। 2 रोजा तकारीब हमने एक एक्स्ट्रा इसमें जायद किया है। 1 रोजा हमेशा खवाली का प्रोग्राम होता था, इसलिए इस साल 2 रोजा किया है। और एक स्पेशल चीज ये की गई है हमारी कमेटी की जानिब से, तमाम जिम्मेदारों की जानिब से और सरकारी हॉस्पिटल का जो अमला है उनके जरिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, जिसमें
डॉक्टर जाकिर अंसारी रिटायर्ड DHO वगैरह और उनकी टीम यहाँ पर शामिल रहेगी, जिसका BR पाटिल के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। ये हमारे रुकन असेंबली अलग ये 25 को आगाज होगा, दोपहर में 2 बजे MLA साहब उसकी इफ्तिताह करेंगे और 25, 26, 27 तक ये 3 रोजा प्रोग्राम रहेगा। तमाम आने वाले जायरीन का जो भी अगर कुछ किसी के हेल्थ में कमी बेशी होती है, हमारे इंतजामिया ने इसका ख्याल करते हुए ये एक चीज और इजाफा किया है। दरगाह शरीफ दरगाह कंपाउंड में हेल्थ काम कहाँ पर रहेगा, और ये जाहिरीन के लिए रहेगा या अलम के लोगों के लिए या दूसरे? बिलखसूस जाहिरीन के लिए भी है, और जो आवाम अगर ऐसी कोई आती है जो बीमार होते हैं, क्या आने के बाद अचानक जो है ना उनकी मिजाज खराब हो जाती है, तो इसलिए इसको नजर में रखते हुए दरगाह प्रेमिसेस में ही रहेगा। कौन कौन से स्पेशलिस्ट इसमें मौजूद रहेंगे, क्या क्या इसमें हेल्थ केयर में क्या चेकअप किया जाएगा? 2 MD है इसमें स्पेशलिस्ट और 2 MBBS है जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग जनरल हॉस्पिटल आलम में। टाइमिंग वगैरह क्या है? ये 24 आवर्स सर्विस देते हैं। 25 तारीख को संदल मुबारक का आगाज होगा, 26-27 की तफसील मैंने बयान कर दी है। बिलखसूस जो लोग जायरीन दूर दराज इलाकों से आते हैं, हिंदुस्तान भर के तमाम कोने से लोग आते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2 दिन पहले एक असाब आया और कहने लगे कि मैंने आपका एडवर्टाइज YouTube पर देखा है, देखकर मैं कलकत्ता से आया हूँ। बड़ी खुशी हुई क्योंकि हम हमेशा बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, सोलापुर, बीजापुर, बेंगलुरु, जमखंडी, ये इलाके से अथनी है, बेलगाम है, इस तरफ से आते हुए हमने देखा है, लेकिन ये पहली बार मैंने देखा कि कलकत्ता से आया हूँ बोलकर वो कोई हमसे मुलाकात करवाए है। हमारे साहब के हमारे सेक्रेटरी साहब है, इनसे मिलिए, आपका इंतजाम हो जाएगा। तो उनको पहले तरजीह देते हुए हमने पहले भी उनको दुकान दे दिया है। बड़ी अच्छा और, लगा। और दीगर तमाम जो हजारों की तादाद में यहाँ पर जायरीन आते हैं, क्या इंतजाम उनके लिए किए जाते हैं? तमाम जायरीन के लिए लंगर आम का अहतमाम हमेशा हर साल होता है। आशिका ने लाडिले मशायख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की कमेटी की जानिब से और ड्राइवर क्लीनर ओनर्स की जानिब से ये हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, वो लोग भी करते आ रहे हैं। बम्बई की एक और कमेटी है, वो लोग भी आकर शामिल होते, वो लोग भी करते हैं। जब हम छोटे थे उस वक्त ये लोगों को देखते आ रहे, लेकिन हमारे बिलखसूस हमारे नौजवानों ने ये देखते हुए ये ऐड किया कि क्यों ना हम भी इसका एहतमाम करें लंगर का। जो पिछले 10 सालों से ये लोग भी कर रहे हैं, आशिका ने लाजमी मशायख रहमतुल्लाह अलैह उनकी कमेटी है एक, उसकी जानिब से दिगर और भी तकारीफ करते हैं। जैसा कि 1 तारीख को फिर जो है ना एक और उससे शरीफ होता है बड़े चिरागान के नाम से, उसमें भी बम्बई के दो खवाल हजरत तशरीफ ला रहे हैं। उसकी तफसील इंशाल्लाह हम फिर आपको देंगे और आप उस टाइम भी आपको मधु करेंगे इंशाल्लाह। 1 तारीख को एक फिर उर्स शरीफ होता है, यहाँ पर महफिल चिरागान वगैरह महफिल अताए खिलाफत का जश्न मनाया जाता है, उस वक्त भी आप लोग आइए। ताकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कमेटी की भी ख्वाहिश है कि और ज्यादा जैसा कि कलकत्ता से आए ऐसा और दिल्ली वगैरह से और दूर दराज इलाकों से, राजस्थान से और अभी पड़ोस में जो रियासतें हमारे हैं वहां से भी लोग आए, मध्य प्रदेश है, UP है, राजस्थान है, इस तरह की हमारी कोशिशें जा रही है इंशाल्लाह। वो इसमें इजाफा भी हो रहा है, आपके मीडिया का कवरेज भी काफी अच्छा सपोर्ट है, बहुत दूर दूर तक काफी इसका ये वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग और ख्वाहिश करके आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। अवागुल लास्ट से मैं ये गुजारिश करूंगा कि बड़े ही अदब का मुकाम है, बाअदब उर्स शरीफ की तकारीब में शिरकत करें, खास तौर पर जुलूस संदल मुबारक में अदब का एहतमाम करें। इसलिए हमने एक और कोशिश की है, हमेशा DJ बढ़ते जा रहे हैं, शौक बढ़ता जा रहा है लोगों का, लेकिन एक चीज यह है, हैदराबाद से जो डफ बजाने वाले हैं उन हजरात को हमने मधु किया है, वो लोग भी आ रहे हैं, ताकि एक मैसेज जाए कि DJ बाजे से हम दूर हो जाए। ये जो असल सुन्नत तरीका है डफ बजाना, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए हिजरत करके, अंसार का जो हमारा वहां खानदान मौजूद था, मेजबानी शर्फ जिन्हें हासिल हुआ, हजरत अबू अय्यूब अंसारी
रजी अल्लाह ताला अन्हु को, उन्हीं के जब खानदान से हम लोग हैं तो वो उस क्यों ना हम उस पर इम्प्लीमेंट करें, उसको ये कोशिश की गई है। इंशाल्लाह इस साल से आगे और भी इसको ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Barney Hill Circle Ring Road, Gulbarga.